Assalamualaikum, my curious followers. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि कैपिंग क्या है, स्प्लाइसिंग क्या होगी और टेलिंग क्या है, आरएनए में ये मॉडिफिकेशन कैसे होती है, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के ऊपर, यानी कि डीएनए से आरएनए तो बन गया, अब इस आरएनए की फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है, उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है, यानी कि किसी भी जगह पे जब एरर आता है तो एमआरएनए जो है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। और फर्दर इसको अगर हम देखें तो ये अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का जो मैकेनिज्म होता है, इससे एक जीन से जो है मल्टीपल प्रोटीन्स बन सकती है, यानी कि इंट्रोन्स का रिमूव होना और एक्सोन का जुड़ना, इस अमल को हम बोलते हैं अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर हम देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को एक्सोन न्यूक्लियस की एक्टिविटीज। आपके माइंड में आ रहा होगा कि एमआरएनए और एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी कहां पे हो रही होती है, आपको इतना तो पता है हमारा आरएनए या एमआरएनए कहां बन रहा होता है, न्यूक्लियस में, और हमारी प्रोटीन कहां बनती है, राइबोसोम में। तो जो हमारा जो इसके बाद वाला लेक्चर यानी कि ट्रांसलेशन है, उसमें हमारे आरएनए को मूव करना पड़ता है न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ, और दरमियान में क्या पड़ता है, साइटोप्लाज्म, वहां पे क्या पड़े होते हैं, न्यूक्लियेसिस एंजाइम्स पड़े होते हैं, तो उसको डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए जो है इसकी मॉडिफिकेशन जरूरी है। फोर्थ पॉइंट पे देखें तो हमारे पास जो ये ना सिर्फ स्टेबिलिटी देता है और साथ साथ ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ जो है राइबोसोम के पास जो है कोडिंग रीजन जाए, सिर्फ एक्सोन जाए, तो उससे अच्छी प्रोटीन बनेगी, जबकि नॉन कोडिंग रीजन जिसको इंट्रोन कहते हैं अगर रिमूव हो जाए, और नॉन कोडिंग अगर यहां से रिमूव हो जाए तो सिर्फ कोडिंग से ही प्रोटीन बनेगी, तो इसलिए उसकी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। यही तीन स्टेप्स है हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, फर्स्ट कैपिंग है, दूसरा स्प्लाइसिंग है, फिर क्या होगा, टेलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिंग की। ये देखिए आपके सामने एक इमेज वेरी क्लियर है कि आपके दोनों एंड पे देखिए, एक साइड पे प्रमोटर लगा, दूसरे पे टर्मिनेशन रीजन है, और दरमियान में हमारे पास क्या मान रहे हैं, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, यानी कि अल्टरनेट स्प्लाइसिस को बोलते हैं हम, यानी कि दो एक्सोन के दरमियान में क्या होता है, एक इंट्रोन होता है। एक्सोन क्या होते हैं, कोडिंग रीजन होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन को कोड करेंगे, जबकि इंट्रोन कोड नहीं करता, तो हमने यहां से इंट्रोन को रिमूव करना होता है। लेकिन यहां पे हमारा कंसर्न क्या भी है, कैपिंग, यानी कि पहले कैप कैसे ऐड करनी है फाइव एंड के ऊपर, तो आइए देखते हैं। फाइव एंड पे क्या लगे होते हैं, ट्राई फास्फेट लगे होते हैं, और कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, आरएनए ट्राई फास्फेटेस यहाँ पे यूज होता है, यहाँ से क्या करता है, फास्फेट को रिमूव करता है। जैसे ये फास्फेट को यहाँ पे रिमूव करेगा तो यहाँ हमारे पास जो है वो थर्ड स्टेप पे देखें तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, साइमन मिथाइल गवानोसिन ट्राइफास्फेट, जिसको हम कैप बोलते हैं, यानी कि मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो गवानीन को मिथाइलेट करते पे उसके सेवन नाइट्रोजन की पोजीशन पे, और इसको हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एंजाइम है एमआरएनए गवानिलाइल ट्रांसफरेज जो है वो जीटीपी यानी गवानीन ट्राइफास्फेट ऐड करता है फाइव एंड पे, यानी कि फाइव एंड जो है इसका प्रोटेक्ट हो जाता है हमारे एमआरएनए का। कैपिंग के बाद हम देखते हैं आप स्प्लाइसिंग को। जैसे आपके सामने यहाँ पे एमआरएनए अवेलेबल है, इसके फाइव एंड पे जो है वो सेवन मिथाइल जीटीपी की कैप लग चुकी है। स्प्लाइसिंग के अमल को हम स्प्लाइसोसोम कहते हैं, वो जो प्रोटीन इस अमल को परफॉर्म करती है उनको हम कहते हैं एसएनआरएनपीस, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स। ये नीचे देखें आपको जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, ये आगे हम फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अब ये जो एसएनआरएनपीस का जो कॉम्प्लेक्स आपको ये नीचे नजर आ रहा है, ये इंट्रोन्स के गिर्द जो है वो इकट्ठा होता है, और यहां से इसका लीडिएट इंटरमीडिएट बना के इंट्रोन्स को यहां से रिमूव करता है और दो एक्सोन को आपस में क्या कर देता है, जोड़ देता है। जैसे कि आपको यहां पे आगे नजर आ रही है, ये जो आपको ग्रीन कलर पे कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, हमारे पास क्या है, एसएनआरएनपीस प्रोटीन का जो है वो एक पूरे का पूरा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये यहां से इंट्रोन्स को जो है लीडिएट इंटरमीडिएट बना के रिमूव कर देगा, जैसे आगे फर्दर देखें, और दो ब्लू कलर में जो एक्सोन्स हैं उनको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। ये अमल मैं नेक्स्ट जो है स्लाइड पे इन डिटेल और इन डेप्थ आपसे जो है अभी एक्सप्लेन करता हूं। स्प्लाइसिंग पर हम देते हैं आप टेलिंग को। टेलिंग जो है आपके सामने यहाँ पे एमआरएनए दोबारा अवेलेबल है, एक्सोन जुड़ चुके हैं, फाइव एंड पे कैप लग चुकी है, अब थ्री एंड का प्रोसेस हमारे पास रह गया। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन और इसका नाम है सीपीएसएफ, यानी कि पॉली एडेनिलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ये प्रोटीन क्या करती है, खास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करती है, और सीक्वेंस का नाम क्या है, याद रखिएगा, डबल ए यू ट्रिपल ए, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगी और यहां से आके क्या कर दे, कट कर दे, क्लीव कर दे फ्रेगमेंट को। ये जैसे नीचे इसका फ्रेगमेंट अलग हो रहा है, जैसे यहां से ये कट करेगी तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेगी, ये तो पैप टू यहां पे यानी पॉली ये पॉलीमरेज टू एंजाइम आएगा और एटीपी की मदद से यहां पे 250 से लेकर 350 जो है वो एडेनिन यानी कि ए ऐड कर देगा। तो इसलिए जब इतने ज्यादा एज आ जाएंगे हमारे पास एमआरएनए के जो है वो टेल यानी थ्री एंड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। तो यूं ये तीनों को तीनों प्रोसेस यानी कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग जो है इस तरीके से जो है सारे के सारे वो बनते हैं या परफॉर्म होते हैं। आइए आप इन डिटेल और इन डेप्थ देखते हैं कि स्प्लाइसोसोम से स्प्लाइसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट है वो कैसे परफॉर्म होता है।
ओके जी, अब हम बात करते हैं स्प्लाइसोसोम की, यानी कि स्प्लाइसिंग के मुकम्मल प्रोसेस की। और सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे पास इंट्रोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोन का स्ट्रक्चर आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इसके दोनों साइड्स पे, यानी कि इसके फाइव एंड पे जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास जो है एक्सोन वन है। इसके थ्री एंड पे जो आपको जो है ब्लू कलर में एक रीजन नजर आ रही है, हमारे पास एक्सोन टू है। और सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, इंट्रोन। अब आते हैं इंट्रोन के तीन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट होता है सेंटर में होता है, उसको हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट। इसको ए यानी कि एडेनिन यहां पे शो भी हो रहा है, जबकि इसके फाइव एंड पे जो स्प्लाइस साइट होती है इसको हम एजी से जाहिर करते हैं, इसके एंड पे एजी होता है। जबकि इसके थ्री पे जो हमारे पास जो है वो स्प्लाइस साइट के एंड पे जो क्या होता है, जीयू होता है। ओके जी, इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ये भी है कि आगे जो हमने लीडेड इंटरमीडिएट और स्प्लाइसिंग जो कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है उसमें ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। जैसे यहां पर आप देखें तो आपके सामने मैंने लीडेड इंटरमीडिएट का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। ये वही स्ट्रक्चर जो ऊपर आपको यहां पर नजर आ रहा है स्टेट फॉर्म में, उसको मैंने यू की शेप दे दी है, यानी कि ये फर्स्ट ब्लू कलर है कि फर्स्ट एक जोन है, और जो सेकंड ब्लू कलर हमारे पास है सेकंड एक जोन है, और जो बीच में जो रेड कलर है ये सारे का सारा जो सीक्वेंस यहां से लेकर यहां तक यू शेप दे रहा है, ये हमारे पास क्या सारा इंट्रोन्स हैं। जैसे कि आपको इंट्रोन का स्ट्रक्चर वेरी क्लियर नजर आ रहा होगा, ये देखिए इंट्रोन के सेंटर में आपको बताया था ब्रांच साइट होती है, जैसे ये देखिए ए है, और इस तरीके से इसकी जो है फाइव स्प्लाइट साइट होती है जहां पे फास्फेट लगा होता है, इसकी थ्री स्प्लाइट साइट पे भी क्या लगा होता है, फास्फेट लगा होता है, ये एजी का रीजन होता है। ठीक है, यहां पे यानी कि जी यू होगा और यहां पे क्या होगा, एजी होगा। ये देखिए एजी और यहां पे क्या होगा, जी यू होगा। लीडिएट इंटरमीडिएट में दो मैकेनिज्म्स होते हैं, दो रिएक्शन, उसको हम कहते हैं ट्रांस एस्टरीफिकेशन, फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन और सेकंड ट्रांस एस्टरीफिकेशन। देखते हैं फर्स्ट कैसी होती है, फर्स्ट एक जोन के एंड पे देखें यानी कि एजी के बाद यहां पे जो इसका फास्फेट लगा होता है, ये फास्फेट बांड बनाता है ब्रांच साइड के ए के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, इस इन दोनों के दरमियान जो बांड बनता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन। देखिए ये बांड बन रहा है इनके दरमियान, जैसे ये बांड बनेगा तो हमारा ये जो एक जोन वन है यहां से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक जोन वन यहां से फ्री हो गया। अब यहां पे ये तो फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन हुई, अब ये एक जोन वन क्या करेगा, ये जाकर अटैच होगा कहां पे, एक जोन टू के साथ। ये देखिए एक जोन वन यानी कि फाइव एंड आगे इसका, इसके आखिर पे जो जी है इस जी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और आगे से हमारे पास जो एक जोन टू का जो फास्फेट ग्रुप है उसके साथ सेकंड ट्रांस एस्टरीफिकेशन होगी। जैसे यहां पर एक बांड बनेगा, यूं हमारे दोनों एक जोन जो आपस में बांड बना के अलहदा हो जाएंगे, और बाकी जो हिस्सा बचेगा इस यानी कि इस ए जी से लेकर इस जी यू तक वो हमारे पास क्या होगा, इंट्रोन होगा। अब आप इसको सिर्फ क्रॉस चेक करें, ये वही इंट्रोन है जो ऊपर आपको यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि यहां पे जीयू है, ये देखिए आपको यहां पे जीयू नजर आ रहा है, और यहां पे दरमियान में ब्रांच साइट ए है ये आपको नजर आ रही है, और यहां पे हमारे पास क्या होता है, एजी होता है, ये आपको यहां पे एजी नजर आ रहा है। इस तरीके से जो हमारा इंट्रोन यहां से निकल जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये पूरे का प्रोसेस जो है वो होता कैसे और कौन करवाता है इसको, इसको करवाता है एसएनआरएनपी कॉम्प्लेक्स, या जो कि हमारे स्प्लाइसोसोम के कंपोनेंट्स होते हैं वो ये परफॉर्म करते हैं। ये टोटल फाइव प्रोटीन्स होती हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। इसमें जो फाइव प्रोटीन के नाम क्या होंगे, यू वन है, यू टू है, जैसे आपको फर्दर यहां नजर आ रहे हैं, फिर यू फोर है, यू फाइव और यू सिक्स है, और इधर भी देखिए आके तो ये हमारे पास वही एक्सोन वन एक्सोन टू, दरमियान में क्या इंट्रोन है, और ये बीच में क्या लगी हुई ब्रांच साइट है, ये इसका हमारे पास ये रीजन देखें तो हमारे पास इसका जो रीजन है वो यूजी है, और यहां पे देखें तो ये हमारे पास इसका फास्फेट ग्रुप है। अब जितने भी यूज है इनकी आपकी आपको इनकी वर्किंग का पता होना चाहिए। यू वन बाइंड करता है कहां पे, फाइव स्प्लाइट साइट के ऊपर, ये देखिए फाइव स्प्लाइट साइट है दिस वन, ये ऊपर भी नजर आ रही है वाली, ठीक है, इसके ऊपर बाइंड करता है। यू टू कहां पे बाइंड करता है, या कि ये ब्रांच साइट के ऊपर बाइंड करता है आपकी। फिर हमारे पास जो यू फोर है, ठीक है, और यू फाइव और यू सिक्स, इनका क्या फंक्शंस है, यू फोर जो है हमारे पास ये मोस्टली थ्री जो है ब्रांच साइट के ऊपर जो आके लगता है, जबकि यू फाइव ये फाइव के ऊपर भी लग सकता है और थ्री के ऊपर भी लग सकता है, यानी कि इसका फंक्शन डबल है। यू सिक्स क्या है, ये एक एंजाइम का काम करता है और कैटालिटिक रोल अदा करता है, यानी कि जितनी भी स्प्लाइसिंग है यू सिक्स के ताबे होती है। अब फर्दर आप देखें जैसे ही कॉम्प्लेक्स एड होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे सारे सारे प्रोटीन अवेलेबल है, यहाँ पे एक सिर्फ प्रॉब्लम है, जैसे यू फोर आएगा तो ये यू टू की वर्किंग को रोकेगा, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे क्या होगा यू वन और यू टू यहाँ रिमूव हो जाएंगे। ये क्यों रिमूव हो रहे हैं, यू वन कहां बाइंड कर रहा था, फाइव स्प्लाइस साइड पे, यू फोर कहां पे बाइंड कर रहा था, थ्री स्प्लाइस साइड के ऊपर, जबकि इन दोनों के जहां पे जो यू फाइव है दोनों के ऊपर बाइंड कर जाता है, तो इनको यहां से रिप्लेस कर देगा ताकि हमारा यू सिक्स का जो फंक्शन है प्रॉपर परफॉर्म हो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहां बन जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन होगी, यानी कि ये वाला प्रोसेस होगा यहां पे, फाइव स्प्लाइस साइड का फास्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ब्रांच साइड के साइड होगा उसके साथ जाकर अटैच करेगा, इसको फर्स्ट ट्रांस एस्टरीफिकेशन कहते हैं, और यू यहां से जो है हमारा फर्स्ट एक्सोन यहां से जो है डीअटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड ट्रांस एस्टरीफिकेशन होगी, यानी कि जो सेकंड एक्सोन है वो फर्स्ट एक्सोन के साथ ट्रांसएस्टरीफिकेशन का अमल करेगा, ठीक है, दोनों आपस में अटैच होंगे। अब हमारे पास ये देखिए लीडिएट इंट्रोन जो है वो यू टू यू सिक्स और यू फाइव जितने भी हमारे पास एसएनआरएनपीज थे वो इनके साथ अटैच होकर अलहदा हो जाएगा, और हमारे पास जो स्प्लाइस्ड एक्सोन्स हैं ये दोनों एक्सोन यानी कि जो आपको नजर आ रहे हैं यहां पे फर्स्ट और सेकंड एक्सोन ये आपस में क्या हो जाए इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के वो जरूर क्लियर होंगे, और इस अगला लेक्चर हमारा होगा ट्रांसलेशन से। गुड लक योर स्टडी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।